Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC NET Paper 2 Political Science. और आज हम करेंगे क्विज क्लास 40. और आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 21 दिसंबर 2018 के क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके. तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक तरफ अप्रोचेस है, दूसरी तरफ उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है. अप्रोचेस में क्या है? इकोलॉजिकल. ऑप्शन टू में है डिसीशन मेकिंग. ऑप्शन थ्री में है ब्यूरोक्रेटिक. ऑप्शन डी में है जनरल सिस्टम. कैरेक्टरिस्टिक्स में है लीगल रैशनल, नेगेटिव फीडबैक, एग्रीगेट इंडस्ट्रिया, फैक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन. तो इकोलॉजिकल में क्या सिस्टम देखा जाता है? एग्रीगेट इंडस्ट्रिया जो सिस्टम है इसके बारे में हम देख पाते हैं. डिसीशन मेकिंग में लीगल रैशनल जो डिसीशन मेकिंग का थ्योरी है वो. ब्यूरोक्रेटिक में क्या आता है? ब्यूरोक्रेटिक में आता है फैक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन. और जनरल सिस्टम में हम नेगेटिव फीडबैक को पाते हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 3, 1, 4, 2. ओके, 3, 4, 1, 2. ओके, सो डिसीजन मेकिंग के साथ फैक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन आ रहा है. ओके, ब्यूरोक्रेटिक में लीगल रैशनल अथॉरिटी के बारे में हम पाते हैं. सो 3, 4, 1, 2, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन वेयर पोस्ट पोखरण 2 सैंक्शंस इम्पोज्ड ऑन इंडिया बाय द यूएस. कब पोस्ट पोखरण 2 सैंक्शंस किए गए यूएस के द्वारा? एट द टाइम ऑफ यूएस अटैक ऑन इराक ऑन मार्च 2003 में. जब यूएस में अटैक हुआ था, यूएस अटैक किया था ईरान में 2003 में, या सितंबर 5 में जब यूएन 16 जनरल का असेंबली मीटिंग हो रहा था तब, या ऑन द ईव ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ बुश इन द सेकेंड टर्म 2005 में तब, या इन द वेक ऑफ 9/11 अक्टूबर 2001. तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा. ओके, 1 मिनट. फोर इज द राइट आंसर. तो जब 9/11 का घटना हुआ तब. ओके, सैंक्शंस किए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म आर करेक्ट. करेक्ट कौन सा है? ओके, फर्स्ट है, ऑल द मास फेनोमेनन ऑफ हिस्ट्री आर डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक कंडीशन. जो मास फेनोमेनन है इतिहास का वो डिटरमाइंड होता है इकोनॉमिक कंडीशंस के द्वारा. सेकेंड है, प्रोडक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज. प्रोडक्शन जो है सबसे गुरुत्वपूर्ण चीज है ह्यूमन एक्टिविटी में. नेक्स्ट, मेन इन एसोसिएशन प्रोड्यूस मोर देन मेन इन आइसोलेशन. मेन एसोसिएशन में एक साथ रहकर जो काम कर सकता है आइसोलेशन से ज्यादा. ओके, रिलीजन इज द ऑफिम ऑफ पीपल. रिलीजन आफिम की तरह है लोगों में काम करता. ओके, सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में मार्क्स के अकॉर्डिंग? चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. ओके, सो 1, 2, 3 एंड 4 बोथ आर करेक्ट. सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग हैज क्रिटिसाइज्ड द सुप्रीम कोर्ट एज अ डीपली पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन बिकॉज इट वेड्स इमेंस पावर विथ लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी. सो किसने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया? किस तरीके से डीपली एक पैराडॉक्सिकल इंस्टीट्यूशन कहा इसे? बिकॉज क्योंकि ये इसके पास इमेंस पावर है और अकाउंटेबिलिटी बहुत कम है. ओके, सो किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, या नीरजा गोपाल जयाल ने, या जेम्स मेनर ने, या प्रताप भानु मेहता ने? ओके, सो राइट आंसर है प्रताप भानु मेहता. प्रताप बी मेहता ने कहा. ओके, सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर दो लिस्ट है, मैचिंग करना होगा. एक तरफ थिंकर है, कौन कौन है? बार्नर्ड है, फेयोल है, गुलिक है, टेरी है. लिस्ट टू में है डेलीगेशन जो थ्योरीज है उनके. ओके, डेलीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो चेस्टर्ड बार्नर्ड के साथ कौन सा कॉन्सेप्ट जाएगा? फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, उनका जो कॉन्सेप्ट है बुक है. ओके, फेयोल के साथ क्या कॉन्सेप्ट जाएगा? फेयोल के साथ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. गुलिक के साथ क्या कॉन्सेप्ट जाएगा? गुलिक के साथ जाएगा बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड ट्रेडी के साथ जाएगा डेलीगेशन. तो करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा 3, 2, 4 एंड 1. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर.
नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसोज जनरल विल मीन्स, रूसो का जो जनरल विल है इसका मतलब क्या है? मेजोरिटीज विल ऑप्शन टू, रियल विल ऑप्शन थ्री, एक्चुअल विल एंड सम टोटल ऑफ विल्स। मेजोरिटी विल बहुत लोगों का सहमत, रियल विल है या एक्चुअल विल है या सम टोटल ऑफ विल्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर रियल विल, ये रियल विल है, लोगों का असली इच्छा है। ओके, सो ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। किसने सजेस्ट किया कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पद है उसे एबोलिश किया जाए, उसे हटाया जाए? किसने सजेस्ट किया? ये सजेस्ट किया पॉल एपलबी ने, ए डी गोरवाला ने, या एल के झा ने, या एन एन वोरा ने? जो करेक्ट आंसर है वो है पॉल एपलबी ने कहा कि उसे हटाया जाए, एबोलिश किया जाए इस पद को। ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ यूएन इन द सीरियन सिविल वॉर। सो सीरियन, जो सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ था उस बारे में यूनाइटेड नेशन का रोल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, यूएन इन्वेंटेड इन सीरिया इन 2011 फॉलोइंग अरब स्प्रिंग। सो जब अरब मूवमेंट हो रहा था उसी वक्त 2011 में यूनाइटेड नेशन ने सीरिया में इंटरवेंट किया। नेक्स्ट, यूएन इंटरवेंट अगेन इन 2003। सो यूनाइटेड नेशन इंटरवेंट कर रहे थे 2003 में फॉलोइंग हिज़्बुल्लाह सपोर्ट फॉर सीरियन आर्मी। ओके, सीरियन आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, आफ्टर सरीन नेवर गैस अटैक इन डैमस्कस इन 2013, यूएन वोटेड फॉर एलिमिनेशन ऑफ केमिकल वेपन। सो आफ्टर सीरियन जो गैस अटैक हुआ वहां पर 2013 में, सो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने केमिकल वेपन्स को हटाने की बात की। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन वॉन्टेड सीरिया स्टॉकपाइल ऑफ केमिकल वेपन्स एलिमिनेशन बट फिक्स नो टाइम लिमिट फॉर एलिमिनेशन। उन्होंने कोई कोई टाइम नहीं फिक्स किया। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द थ्योरीज ऑफ एलिट थ्योरी को लेकर करेक्ट है? फर्स्ट है, जेम्स बर्नहम प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट। जेम्स बर्नहम ने जो सर्कुलेशन एलिट का है कॉन्सेप्ट उसे प्रोपोनेंट किया है, प्रपोज किया है। नेक्स्ट, सी डब्ल्यू मिल्स ट्रायंगुलेट पावर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल क्लासेस। सी डब्ल्यू मीन्स ने कहा कि पावर जो ग्रुप होता है वो कंसिस्ट होता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल क्लासेस को लेकर। नेक्स्ट, जी मॉस्का एम्फसाइज्ड ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिट। मॉस्का ने एम्फसाइज किया एलिट के जो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर। नेक्स्ट है, एलिट थ्योरी सपोर्ट्स प्लुरलिज्म। एलिट थ्योरी प्लुरलिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट होगा? तो करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो है थ्री एंड फोर, क्योंकि मॉस्का ने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिट के ऊपर फोकस किया और एलिट थ्योरी सपोर्ट्स प्लूरलिज्म, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है एलिट थ्योरी को लेकर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थ्री एंड फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2002 Which of the following countries were described as axis of evil by the US President? 2002 में US President के द्वारा बोला गया है कुछ countries को, वो है axis of evil। कौन से countries है? ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया, या नॉर्थ कोरिया ईरान इराक, या नॉर्थ कोरिया अफगानिस्तान सीरिया, या सीरिया ईरान इराक। सो करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ कोरिया ईरान एंड इराक। सो ऑप्शन टू इज द correct answer. So that's it for today's class. I hope you will understand these questions. Tab tak ke liye thank you. Keep on watching and keep on learning.